प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ। कारवां मोबाइल। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो के आज के इस एपिसोड में वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। कुछ बहुत ही बेहतरीन गाने आज मैंने चुने हैं और आपके लिए यहाँ पर मैं सुनाने वाली हूँ, आपके लिए लगाने वाली हूँ मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से। आई होप आपको पसंद आए। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किसकी ज़िंदगी के पन्ने जो हैं वो पलटने वाली हूँ, किसके गाने आपको सुनाने वाली हूँ, किसके किस्से कहानी जो हैं वो आप तक लेकर आने वाली हूँ। तो आज जिस एक्टर की हम बात करने वाले हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड एक्टर की थी और उसके बाद तकरीबन 100 फिल्मों में उन्होंने एज अ हीरो काम किया। नाम है इनका द वेरी हैंडसम विनोद मेहरा। फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद 1965 में इन्होंने एक टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इस कॉन्टेस्ट में एक और भी एक ऐसे शख्स आए थे जो कि बाद में सुपर स्टार बन गए और वो ये कॉन्टेस्ट जीते भी थे। किन से हार गए थे हमारे विनोद मेहरा जी? क्या कमी थी ऐसी विनोद मेहरा जी में, बताएंगे आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले बहुत ही खूबसूरत सा गाना फिल्म घर से किशोरदा और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, आपकी आँखों में कुछ, आडी बर्मन जी का म्यूजिक है, मेरा पसंदीदा गाना है, सुनिए जरा। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से रा
सदा मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं, ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। किसे थी खबर मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर, रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर, साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। सारे गामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। तेरे बिना जिया जाए ना, 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 बिन तेरे तेरे बिन साजना
वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं एक्टर प्रोड्यूसर विनोद मेहरा जी के बारे में। बॉलीवुड में लोगों के अफेयर्स वैसे बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, लेकिन विनोद जी के लाइफ में लव अफेयर्स काफ़ी मिस्टीरियस रहे हैं। विनोद जी की लव लाइफ के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके पहले जैसा मैंने आपसे कहा था कि 1965 में विनोद जी ने एक टैलेंट हंट में पार्टिसिपेट किया था। वो इस टैलेंट हंट को जीत नहीं पाए थे। ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म फेयर में विनोद मेहरा के अलावा राजेश खन्ना जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। 1000 लोगों ने उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और विनोद जी को रनर अप का खिताब मिला था। राजेश जी जीत गए थे। इसके बाद विनोद जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो मार्केटिंग की जॉब वैसे भी कर ही रहे थे एज अ बैकअप। उन्होंने बॉलीवुड में आने का ख्याल छोड़ दिया। वो इतना डिसहार्टन और डिप्रेस हो गए थे इस हार के बाद। लेकिन डायरेक्टर रूप के शौरी जी ने विनोद जी को एक बार होटल में स्पॉट किया और बहुत जिद की कि फिल्मों में आपको एक्टिंग करनी ही चाहिए। तब जाकर 1971 में फिल्म बनी स्टारिंग विनोद मेहरा और तनुजा जी। जितनी सुलझी हुई इनकी प्रोफेशनल लाइफ थी, उतनी ही उलझी हुई और मिस्टीरियस थी इनकी लव लाइफ। कहा जाता है कि अपनी एक फिल्म की शूटिंग करते करते वो अपने को स्टार से बहुत क्लोज हो गए थे और उनसे छुपकर दूसरी शादी भी कर ली थी। कौन थी ये को स्टार और क्या थी वजह कि उन्होंने अपनी शादी को हमेशा छुपा कर रखा, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनिए खुदार फिल्म से गाना डिस्को 82, किशोर दा और लता जी की आवाज में वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मेरे सपने हैं जिंदा यहीं, मुझे पिंजरा न दिखाओ मैं परिंदा नहीं। मेरी खुशियाँ मेरे सपने हैं जिंदा यहीं, मुझे पिंजरा न दिखाओ मैं परिंदा नहीं। मुझे कहने दे तुझको मेरी कसम। तेरे जाम है कोई जहर तो नहीं, इसे पी के गुनगुनाऊं तू खफा तो नहीं। ये जाम तो तेरे जाम है कोई जहर तो नहीं, इसे पी के गुनगुनाऊं तू खफा तो नहीं। मुझे जीने दे तुझको मेरी कसम। डिस्को 82, डिस्को 82, डिस्को 82,
सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। हाथ खाली अगर तू मर गया मेरी जान, नागनी तुझको छुएगी न धरती ही देगी मान। अब ये है मेरे भाई ये खुदाओं का घर, तेरी दौलत ने बनाया तो हुए खुश अल्लाह भगवान। दुनिया के खातिर जोड़े जा आना पैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। एक लीडर को देखो ही इज लुकिंग सो वेरी ग्रैंड, बुलाता फिरता डिनर है इन द होटल सन एंड फैन। उसके लड़के की शादी देख जाइए न पूछ, कहां से आया ये हॉथी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश मैन। आज कहां का नेशन काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। एक्टर प्रोड्यूसर होने के साथ ही साथ विनोद मेहरा जी एक ममाज बॉय भी हुआ करते थे, वो खुद इस बात को मानते थे। वैसे उन्होंने अपनी पहली शादी भी इसीलिए अपनी फैमिली अपनी माँ की पसंद से ही की थी, जो कि एक बिजनेस टाइकून की बेटी थी, नाम था उनका मीना ब्रोका। लेकिन ये शादी ज़्यादा टाइम टिकी नहीं। सीक्रेटली ही वॉज ऑल्सो डेटिंग हिज को स्टार बिंदिया गोस्वामी, जिन्होंने खून खराबा खूबसूरत जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया था। लेकिन उनका ये रिलेशनशिप भी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और बिंदिया जी विनोद जी को छोड़कर फिल्म मेकर जेपी दत्ता जी के साथ रहने लगी थी। इस हादसे को विनोद जी झेल नहीं पा रहे थे और तभी उनकी लाइफ में रेखा जी की एंट्री हुई। लेकिन कंफ्यूजन उस समय इतना था क्योंकि रेखा जी और अमिताभ बच्चन जी के लव अफेयर की भी खूब चर्चाएं हो रही थी, दूसरी तरफ रेखा जी और विनोद मेहरा जी को साथ में जगहों पर स्पॉट किया जा रहा था। तो फाइनली काफी लंबा समय लगा विनोद जी को, लेकिन इस सारे कंफ्यूजन के स्टेट में से निकल के उन्होंने तीसरी दफा शादी की और दो बच्चे भी हुए उनके। एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली बना ही ली विनोद मेहरा जी ने। ऐसे आपको पता है एक दिन विनोद जी ने अपनी एक को स्टार को कुछ ऐसा बोल दिया था कि उस को स्टार ने अगले दिन से सेट पर सबसे बात करना ही कम कर दिया था। कौन थी वो को स्टार और ऐसा क्या कह दिया था विनोद जी ने उन्हें, जानेंगे आप बस कुछ ही देर के बाद। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। अगला गाना सुना रहे हैं आपको फिर वही रात है ख्वाब की, फिल्म घर है और किशोरदा की आवाज में ये गाना है, सुनिए जरा। फिर वही
रात है। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ओ रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, ओ हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले। ओ ये रात है ख्वाब की, ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। ख्वाब है आँखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना इन्हें, आँखों में रुक जाएंगे। ओ ये रात है ख्वाब की रात है। Love this episode? Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. Dil ke tukde tukde karke muskura ke chal diye, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चांद भी होगा तारे
भी होंगे, फूल तमन्ने प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी वृद्ध मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा। दिल के मारा दिल के मालिक, तो घर लगा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाएंगे हम भी कसम से, सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले, जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन, दिल भर मेरे सोच समझ ले जाने से पहले। यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा के I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. Kitni khoobsurat ye tasveer hai, mausam बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, अरे मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पर्वतों के दरमिया है, जन्नतों के दरमिया है, आज के दिन हम यहाँ हैं। पर्वतों के दरमियाँ हैं, जन्नतों के दरमियाँ हैं, आज के दिन हम यहाँ हैं। साथी ये हमारी तकदीर है, जितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, Thank you.
जमी से आसमां से फूलों के इस गुलसिता से जाना मुश्किल है यहाँ से। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप मेरे यानी रुचि के साथ। हमारे वर्क प्लेस पर हमने हमेशा यही सीखा है कि लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, किसी को किसी से कुछ लेना देना होता नहीं है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सबके बारे में सोचते हैं, और विनोद मेहरा जी भी कुछ ऐसे ही थे। स्पेशली व्हेन इट वाज अबाउट हिज को-स्टार्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा पजेसिव और पर्सनल हो जाया करते थे। एक बार एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी के साथ वो शूट कर रहे थे और उन्होंने ये देखा कि मौसमी जी सेट पर हर किसी से बहुत ही ओपनली बात किया करती हैं, क्लोज हो जाती हैं। विनोद जी को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने इन वन गो मौसमी जी से कहा कि जब आप एक्साइटमेंट में आकर किसी से बात करती हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं, ज़रा डिस्टेंस बनाया करिए, इतना उछल कूद मत किया करिए। घर पर माँ पापा के साथ जैसा आप व्यवहार करती हैं वैसा सभी के साथ करना ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद मौसमी जी को एकदम से धक्का सा लग गया था। उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गई थी सेट्स पर। वो भी विनोद जी को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, तो वो खुद ही जाकर के मौसमी जी के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लिया करते थे। वैसे एक एक्टर और प्रोड्यूसर बनने के बाद विनोद जी का अगला गोल था एक डायरेक्टर बनने का, लेकिन किस्मत ने इनका साथ उस वक्त नहीं दिया और वो सपना अधूरा ही रह गया। कौन सी फिल्म थी वो और क्यों पूरी नहीं हो पाई वो फिल्म, जानेंगे बस कुछ ही देर के बाद। अभी के लिए आप सुनिए अजनबी कौन हो तुम गाना फ्रॉम द फिल्म स्वीकार किया मैंने, लता जी की आवाज में वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम, तरह कोई उतर आया
अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम, बोतल से एक बात चली है, कांगड़ा की रात चली है, बोतल से एक बात चली है, कांगड़ा की रात चली है। ओ बोतल से एक बात चली है, कांगड़ा के रात चली है। चांद की मिसरी घुल जाएगी, चांद से होंठ लगा के पीना। ओ बोतल से एक बात चली है, कांगड़ा के रात चली है। वादों वाली रात आई है, आज की रात इनकार न करना। अपने दिन रात न पूछो, तुमसे जीना ओ बोतल से एक बात चली है, कांगड़ा की रात चली है। बोतल से एक बात चली है, कांगड़ा की रात चली है। ला ला वीकेंड क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। मैं क्या जानू छाँव है क्या और धूप
जल जैसा होता है। वो क्या है? एक पर्वत है। क्लासिक रेडियो शो पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं एक्टर प्रोड्यूसर विनोद मेहरा जी के बारे में। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिंदगी में जिन्हें हम कभी पूरा नहीं कर पाते, कभी मजबूरी की वजह से तो कभी वक्त की कमी की वजह से। विनोद जी अपने फिल्मी करियर में बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन उनकी हेल्थ काफी खराब हो गई थी। एक बहुत ही यंग एज में उन्होंने इंडस्ट्री के साथ सारी दुनिया को अलविदा कह दिया था। विनोद जी को 1990s का मोस्ट पॉपुलर डायरेक्टर बनना था और ये एक फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था गुरुदेव, स्टारिंग ऋषि कपूर, अनिल कपूर एंड श्रीदेवी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1990 में हार्ट अटैक की वजह से ये हमारे बीच नहीं रहे और डायरेक्टर बनने का इनका सपना सपना ही रह गया। वैसे गुरुदेव फिल्म को बाद में जाकर राज सिप्पी जी ने डायरेक्ट किया था और ये 1993 में रिलीज भी हुई थी। लेकिन मानना तो पड़ेगा, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे मशहूर सितारे होने के बावजूद विनोद मेहरा जी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है। अगले एपिसोड में मैं बात करूंगी फारूक शेख जी के बारे में, बताऊंगी कि क्यों जीना इसी का नाम है। जब फारूक शेख जी एक फिल्म चूज किया करते थे तो तीन शर्तें रखते थे साथ में। क्या थी वो शर्तें, ये जानने के लिए सुनिएगा अगला एपिसोड। फिलहाल सुनिए आप अगला गाना, पिछली याद भुला दो, मेहंदी फिल्म से किशोर दा की आवाज में। पिछली याद भुला दो, पिछली याद भुला दो, गुजरे बीते अफसानों का, गुजरे बीते अफसानों का हर एक नक्श मिटा दो, पिछली याद भुला दो, पिछली याद भुला दो। अहद वफा पे मर मिट जाना, अहद वफा पे मर मिट जाना, ये है रस्म पुरानी। इश्क मोहब्बत प्यार की कसमें समझो एक कहानी। दिल को अब समझा दो,
दिल को अब समझा दो। गुजरे बीते अफसानों का हर एक नक्श मिटा दो, पिछली याद भुला दो। बिसरा जज्बा कोई कदमों को बहका दे, आज पुरानी यादों की ना चिंगारी सुलगा दे, इनको राज बना दो, इनको राज बना दो। गुजरे बीते अफसानों का हर एक नक्श मिटा दो, पिछली याद भुला दो, पिछली याद भुला दो। खुशबुओं की तरह तू महकती रहे, सलामत रहे बस यही है दुआ। कर जाएंगे जीवन कर जाएंगे, धरती अंबर में तू
दिल के मंदिर में तू, फूल पत्थर में तू और समंदर में तू, तू है मेरा खुदा, तू न करना दगा, तुम बिन मर जाएंगे, तुम बिन मर जाएंगे। आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। माफ करो, हाँ माफ करो, जाने दो, अरे जाने दो, हाय अल्लाह, हाय हाय अल्लाह, छोड़ दो ना, छोड़ छोड़ दो ना, माँ 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 माफ करो, माँ 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 माफ करो, जा 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 जाने दो, जा 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 जाने दो, हाय 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 अल्लाह, हाय 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 अल्लाह, छोड़ 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 दो ना, छोड़ 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 दो ना, अरे पागल हो गई हो क्या तुम, चुप। मैं सनम माफी करो गलती हुई, बंधन तो अब खुलता नहीं, करते रहो उई उई। मैंने कहा था ना, तूने मुझे फंसाया, तूने मुझे फंसाया, तूने तूने मुझे फंसाया, तूने मैं कहता मा 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 माफ करो, मैं मा मा माफ करो, जा 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 जान दो, जा 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 जान दो, हाय 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 अल्लाह, हाय 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 अल्लाह, छो 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 छोड़ो ना, छो छो छोड़ो ना, अरे पागल हो गई हो क्या तुम। धक्का न दो, रो दूंगा मैं मेरी कसम, रोना नहीं मैं भी कहीं रोने लगूं तेरी कसम। मत रो, मत रो, मैं कहता हूँ मत रो, मत रो, मा 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 माफ करो, मैं मा मा माफ करो, जा 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 जान दो, जा 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 जान दो, हाय 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 अल्लाह, हाय 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 अल्लाह, छो 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 छोड़ो ना, छो छो छोड़ो ना, पागल हो गई हो क्या तो, मा 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 माफ करो, मा 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 माफ करो, जा 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 जान दो, जा जा जान दो, हाय 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 अल्लाह, हाय 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 अल्लाह, छो 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 छोड़ो ना, छो छो छोड़ो ना, पागल हो गई हो क्या तो। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ.